रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी देख के पता कर ही रहे होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाला है और घर घर में सफाइयां स्टार्ट हो गई है, तो हर लेडीज के हाथों में झाड़ू और सफाई करने के लिए तैयारियां शुरू है। तो आज मैं भी अपने घर के सफाई करने जा रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि पहले हम क्या चीज सफाई करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये घर की सफाई करने का तरीका पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आइए हम दिवाली की सफाई की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक दुपट्टा लेंगे और अपने सर पे बांधेंगे इस तरह से, और ये जो ये वाला हिस्सा है साइड का, इसे हम अपने नाकों में बांध लेंगे। नाक में बांध लेंगे कि धूल मिट्टी इससे नहीं जाएगा और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इस तरह से हम बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बांधी हूँ, बिल्कुल इसे लूजली बांधे, ज्यादा टाइट ना बांधे। इससे ये होगा धूल मिट्टी से आपका नाक भी बचाव हो जाएगा और आपका सर भी गंदगी से नहीं भरेगा। तो आइए हम सफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इस तरह का झाड़ू लेंगे जिससे हम अपना छत का सीलिंग साफ करेंगे। तो इस झाड़ू को खोलने वाला होता है यहाँ पे, तो इसका हम खोल के और इसे बड़ा कर लेते हैं और फिर अपने छत का सफाई करेंगे। ये देखिए झाड़ू बड़ा हो गया, अब हम चलते हैं छत को साफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम झाड़ू को इस तरह से अपने छत पे अच्छे से चलाते हुए क्लीन करेंगे। और आपका सर भी बंधा हुआ है और नाक भी बंद है, तो आपके ऊपर कचरा भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं झाड़ रही हूँ। इस तरह से हमारा छत का बिल्कुल अच्छे से सफाया हो जाएगा और ये दीपावली के लिए तैयार हो जाएगा। जहां तक आपका झाड़ू जा रहा है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप छत को साफ करें और इसका ध्यान रखें कि आपके आंखों में भी कचरा ना जाए। आप चाहें तो चश्मा भी पहन सकते हैं। तो मैं सारे छत को इस तरह से बिल्कुल सावधानी पूर्वक करूंगी और इसे अच्छे से सफाया करना है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम झाड़ू घुमा रहे हैं, जो बैठा हुआ है मकड़ी का जाल वगैरह वो निकल आ रहा है हमारे झाड़ू की हेल्प से। और इसी तरह से हम सारे छत को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे। और इसी तरह से देख सकते हैं आप, मैं सारे अपने छत का सीलिंग जो हमारा है सब साफ कर ले रही हूँ। इस तरीके से आप अगर 15 दिन में भी करते हैं तो आपके घर में बिल्कुल गंदगी नहीं रहेगी और ना ही मकड़े का जाला रहेगा। तो अब आती है दीवार की बारी। तो दीवार पे भी हम अच्छे से इस तरह से झाड़ू को चलाएंगे और आप देख सकते हैं इसमें जो भी धूल मिट्टी जमा हुआ है वो निकल जा रहा है और हम चारों तरफ दीवार पे चलाएंगे। और फोटो फ्रेम लगा है उसको आप उतार के हाथों से साफ कर सकते हैं, कोई सा भी कॉलिन वॉलिन डाल के आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। मैं इसे आपको क्लीन करना बताऊंगी, फोटो को कैसे क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं दीवार पे यहाँ पे लगा है ट्यूबलाइट, उसके किनारे किनारे भी कितने सारे गंदगी है जो कि हम वहां तक नहीं कर पाते हैं सफाई। तो आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इस झाड़ू को चलाएंगे तो हमारा ट्यूबलाइट बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इसमें जो भी छोटा छोटा मकड़ी उकड़ी रहती है निकल जाएंगी।